ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, जिससे हमें बहुत काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑसिलेशन के बारे में पता चलता है। कहता है एक वर्टिकल लोडेड स्प्रिंग है, एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड ऑलरेडी मेंशन है। डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वेरी विथ ए पीरियड। हम सबको पता है कि SHM में जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो फ्लक्चुएट करती है, वो ऑसिलेट करती है, लेकिन उसका ऑसिलेशन SHM नहीं होता है, उसका ऑसिलेशन पीरियोडिक होता है, वो एक उसका अपना पीरियड है। पर मैकेनिकल एनर्जी SHM में हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, वो कॉन्स्टेंट रहती है, वो वेरी नहीं करती है, बराबर है। चलो सबसे पहले अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका टाइम पीरियड मैं लिख सकता हूं 2πm/k एंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, इसको ऐसे मैं रहने देता हूं, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। अगर SHM है तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पोजीशन है जो फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको लिख सकता हूं हाफ, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर इसको मैं सेकेंड बोल देता हूं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोटेंशियल एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, क्लियर है। चलो उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया, पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं। तो मुझे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, तो इसी को एक बार मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। यहां पर देखो इसको मैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx ओवर dt में कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूं क्या मिलेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूं हाफ m v स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूं हाफ एम इसका स्क्वायर कर दूं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या चाहिए, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो पहले इनका डिफरेंस तो निकालें हम लोग। तो यहां पर मुझे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसको माइनस कर दूं माइनस हाफ। अब ये जो के है इस के को मैं लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, अच्छी बात। इसमें से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रेकेट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर है। कुछ याद आ रहा है, कुछ पुरानी यादें याद आ रही हैं, ये क्या चीज है, तो ये कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला है, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस टू ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा होता है। अब ए और बी बराबर हैं तो इसको एक हो जाएगा टू कॉस ए, क्योंकि यहां देखो ओमेगा टी और यहां ए और बी बराबर होते हैं, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहां से जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, अच्छे से इसको देखो, द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑसिलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट दिस ऑसिलेशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन, बिकॉज कॉस टू थीटा जो है वो एक पीरियोडिक है ना कि SHM परफॉर्म कर रहा है, अगर कॉस ओमेगा टी होता तो ये SHM होता यार। चलो तो अब इसका टाइम पीरियड निकालना, ये जो एक्सप्रेशन आया डिफरेंस इसी का टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड क्या होता भाई 2 पाई अपन
ओमेगा, और इस ऑसिलेशन का 2 पाई ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 ओमेगा, तो 2 ने 2 को, तो टाइम पीरियड टी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई अपान ओमेगा, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अभी जो हमारा सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट नंबर में नहीं आया, तो ओमेगा को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ ओमेगा निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले जो एक्चुअली जो एसएचएम था, ये जो पूरा क्वेश्चन था उसका एसएचएम का टाइम पीरियड 2-4 था और टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा था, तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी पाई अपॉन 2, दिस इज द ओमेगा। अब ये ओमेगा उठा के यहाँ रख दूंगा, तो टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू पाई और ओमेगा यहाँ डाल दिया मैं, तो पाई और ये 2, पाई ने पाई को मतलब 2 सेकेंड, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 2 सेकेंड से ऑसिलेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया हमें मिला सोल्यूशन फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या होता है, जो एसएसएम परफॉर्म करता है। जनरली हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन टी इज इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट होता था और यहाँ तक जाता था प्लस ए तक एम्पलीट्यूड, फिर वापस आता था, रुक नहीं पाता था, इधर चला जाता था, फिर इधर आता था, और ये पॉइंट माइनस ए। अब हमको ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ तक टाइम चाहिए, ए इज इक्वल टू ए टू ए बाई 2। अब यहाँ पर पार्टिकल ए बाई ए है, अब यहाँ से जब इधर आएगा तो ये हो चुका होगा ए बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो टी, इसी का कैलकुलेशन करना है। यहाँ से यहाँ ए देखो प्लस ए टू ए बाई 2 तक आने में कितना टाइम है उसको हमें निकालना है। अब इसको करने के अपने अपने मेथड है, कई तरीके से इसको दो तरीके से बेसिकली कर सकते हो। अब साइन वाला इक्वेशन लगाते हो तो मानते हो कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ टी इक्वल टू 0 से, तो तुम यहाँ से यहाँ तक टाइम निकाल लो ए बाई 2 तक, और ए बाई यहाँ से यहाँ तक टी टाइम, पूरा टाइम एक साइकिल में टी लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी बाई 4 लगता है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टाइम निकाल लूँ, फिर टी बाई 4 में माइनस कर दूँ, तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट टी इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, टी इज इक्वल टू 0 यहाँ से कंसिडर करते हैं, तो कॉस वाला इक्वेशन लगा दो, तो मैं डायरेक्ट अभी यहां से कंसीडर करता हूं, तो अगर मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखता हूं, ए इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, है ना। अगर यहां से स्टार्ट होता तो ए साइन ओमेगा टी लिखते, तो एक्स की वैल्यू ए बाई 2 हो गया और ए कॉस ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड स्मॉल टी, तो ए ने ए को और cos 60 मतलब पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, इतना लिख सकते हैं 1/2 cos 1/2 cos 60 और 60 मतलब पाई बाई 3, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, तो पाई ने पाई को, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गया टी बाई 6, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन मेथड नंबर फर्स्ट। इसको आप फेजर से भी कर सकते हो, फेजर से कैसे करोगे, तो अगर फेजर से, ये जनरली जब हम फेजर करते थे इससे क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो यहाँ टी इक्वल टू 0 सेट करते थे और पार्टिकल या इस लाइन पे एसएचएम करता था, जाता था यहाँ से इसका प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर जाता था, फिर आता था, फिर इधर और फिर इधर, ठीक है। अभी क्या है कि अभी प्लस ए बाई 2, अभी मैं कंसीडर किया हूं कि मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, चलो यहां से स्टार्ट हुआ इस पोजीशन से टी इज इक्वल टू 0 और इस पोजीशन से आगे जाएगा इस कोऑर्डिनेट में कितना, देखो प्लस ए बाई 2, तो ये जो है वो ए बाई 2 डिस्प्लेसमेंट हो चुका, ए बाई 2 डिस्प्लेसमेंट। अब जब पार्टिकल यहां आया तो उसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ए है और ये एंगल चेंज हो गया फेज फाई, दिस इज द फेज डिफरेंस पाई, इसको निकाला जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये रेडियस है, एम्पलीट्यूड ए हो गया, ये बेस है, ये ऊपर से ए बाई 2 है तो ये भी ए बाई 2 होगा, तो यहाँ से मैं कॉस फाई की वैल्यू लगा दूँ तो बी बाई एच ए बाई 2 और ए मतलब कॉस 1/2 कॉस 1/2 कॉस पाई बाई 3 मतलब फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 3। पार्टिकल जो है डेल्टा फाई, पार्टिकल अगर टी इक्वल टू 0 से यहाँ तक आता है तो उसका फेज डिफरेंस डेल्टा पाई बाई 3 हो चुका होगा। जब आपको फेज डिफरेंस पता चल जाता है तो आपको टाइम डिफरेंस बड़े आराम से निकल जाता है, क्योंकि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाई
टाइम डिफरेंस, ये फार्मूला है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री है और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू पाई बाई टी, और ये हमें चाहिए टाइम डिफरेंस। टाइम कितना लगा, तो ये पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, मतलब टाइम का जो डिफरेंस आया वो टी बाई सिक्स। जब फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इस आर्क पे चलने में पार्टिकल को टी बाई सिक्स टाइम लगा होगा, या यहाँ से नीचे आने में ए बाई टू पे टी बाई सिक्स लगा होगा उसके प्रोजेक्शन को। मतलब ए ऑप्शन हम लोग का सही है। फर्स्ट, चलो नेक्स्ट। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक सिंपल हार्मोनिक, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट इसका दिया हुआ है 0.02 मीटर और एक्सलेशन भी इसका दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा निकालना है, तो इसको मैं आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला बेस है। हम सबको पता है कि एक्सेलेरेशन टाइम एक्सेलेरेशन वेरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में भी, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में भी। अभी हमें क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा, मैं उसका इक्वेशन लिखूंगा। तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो ओमेगा चाहिए, निगेटिव साइन इग्नोर कर देता हूँ मैं, ओमेगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा इतना, क्योंकि निगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज अपोजिट टू एक्सेलेरेशन। अब यहाँ से ए की वैल्यू डालो तो ए 0.2 है और डिस्प्लेसमेंट 0.02 है अंडर रूट, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द ओमेगा। मतलब ए ऑप्शन सही है, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस है। कथा सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए ट्रॉली विच इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ एक्सेलेरेशन ए। अब ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आप किए भी होंगे। एक ट्रॉली है, अब इस ट्रॉली जो है वो इस तरह से राइट, इधर राइट साइड ए एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, बराबर है। अब इस ट्रॉली में मैं एक सिंपल पेंडुलम लटका दूं, यहां से ये सिंपल पेंडुलम लटका दूं और एक्सेलेरेट कर रही है, तो पेंडुलम ऐसे आएगा, कुछ वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आएगा सूडो फोर्स की वजह से। जैसे जैसे एक्सेलेरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो, मतलब वेलोसिटी कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तो थीटा जीरो होगा, मतलब पेंडुलम सीधा रहेगा। अगर इसके पास ट्रॉली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब, या तो रेस्ट में है तो, बट अभी एक्सेलेरेशन है तो इस पे सूडो फोर्स एम में इधर काम करने लगेगा और इस पे एक और फोर्स लगेगा एम जी इधर लगेगा। मैं इसके फ्रेम से देखता हूँ, ट्रॉली के फ्रेम से देखूँ तो मुझे अरेस्ट में नजर आएगा, क्योंकि जो एम ए है और एम जी है इसका रिजल्टेंट टेंशन बैलेंस कर लेगा, कुछ फिक्स थीटा पे आएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन फिक्स है। तो इफेक्टिव जी कितना आ जाएगा भाई, अगर ये सीधा रहता तो टाइम पीरियड में इसका लिख सकता था इसके फ्रेंड 2 पाई एल बाई जी, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है, अब यहाँ जी बदल जाएगा, जी डैश हो जाएगा, और इफेक्टिव जी डैश में लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो इधर एक्सेलेरेशन ए है इधर एक्सेलेरेशन जी है, तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली बात आ गई। तो ये ले जाके यहाँ रख दोगे तो g की वैल्यू पूछा है, तो टाइम पीरियड इतना है इस फ्रेम में, तो g की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, तो ए स्क्वायर जी स्क्वायर, मतलब d ऑप्शन सही है। अब देखो अगर एक्सेलेरेशन जीरो है तो इफेक्टिव g के बराबर है, और जब g के बराबर होगा तो ये वर्टिकल से थीटा जीरो डिग्री पर स्टैंड होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे, जैसे जैसे a बढ़ेगा एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे थीटा बढ़ेगी। a की वैल्यू बढ़ाओगे तो g की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वाली थीटा बढ़ेगा। चलो, ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, द कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी। अगर कोई SHM है, समझने की कोशिश करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहां से स्टार्ट हुआ इधर गया रुक नहीं पाया इधर आया इधर गया एंड सो ऑन। अब समझना इसको कि SHM कर रहा है, हमें उसका टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा,
अगर इस SHM का मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता चल जाए तो मुझे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। ओमेगा कैसे पता चलेगा? कंडीशन दिया हुआ, दो दो कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से दिया हुआ है और साथ साथ वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरी करती है, वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेरी करती है। अभी मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है? वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड और x इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एक कांस्टेंट है। अब इसको हमें पोजीशन दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसको एक बार मैं थोड़ा ढंग से लिख लूं, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बराबर है। अब वैल्यू बस डाल दो, दो बार डालो, तो एक बार मैंने फर्स्ट वैल्यू डाला जब 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस वक्त वेलोसिटी 10 है, मतलब ये आ जाएगा 100 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड टाइम मैं यही इक्वेशन लगाया कि जब ये पोजीशन 55 हुआ तो वेलोसिटी 88 हुआ, तो 8 का स्क्वायर 64 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 25, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो मुझे ओमेगा पता चल जाएगा और टाइम पीरियड बाद में पता चल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें से? पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये 100 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 64 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गए खत्म, और ये आ जाएगा 25 माइनस 16। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से मैं सॉल्व करूं तो 36 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब 6 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 3, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा ओमेगा। अगर इतना मुझे ओमेगा आ गया तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो टाइम पीरियड में निकालना आसान है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा किसी भी SHM का, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 ने 2 को, तो टाइम पीरियड आ जाएगा पाई सेकेंड, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलरेडी मेंशन है, ओमेगा है और एम्पलीट्यूड ए है, ए डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द मीन पोजिशन, काइनेटिक एनर्जी टी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इनको रेशियो निकालना है। इट वॉज द इजी क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो लेना है आपको। काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट किया है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, आसानी से लिख दिए डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे। पोटेंशियल एनर्जी इसको भी से डिनोट किया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? डिवाइड करना है, रेशियो लेना है टी बाई वी, तो टी बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। मतलब अब यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, मतलब सी ऑप्शन हम लोग का बनता है सही, बराबर है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो और वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये को जो क्वेश्चन है बेसिकली सुपर इम्पोजिशन, दो या दो से अधिक SHM को कंबाइंड करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, जनरली स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा सुपर पोजिशन ऑफ टू SHM, दो SHM को मिलाएंगे। हम सबको पता है कि अगर एक SHM है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे दौड़ेगा, बट अगर दो SHM है तो पार्टिकल का पाथ सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस दोनों में कितना है। तो अब सुपर इम्पोजिशन हुआ तो एक SHM परपेंडिकुलर एक्सिस में हुआ है, एक SHM एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसका इक्वेशन लिख दूं मैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये दूसरे के साथ सुपर इम्पोज किया, जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के लॉन्ग है विथ ए फेज डिफरेंस पाई, तो जो y एक्सिस का उसका SHM का इक्वेशन लिखूं तो उसका एम्पलीट्यूड को मैं b से डिनोट कर देता हूं, और साइन ओमेगा t, और प्लस मैं
फेज डिफरेंस फाइ ले लेता हूँ, दिस आर द टू SHM, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है। सुपर इम्पोज करने के बाद पार्टिकल किस टाइप के पाथ पे चलेगा वो हमें इक्वेशन निकालना है बेसिकली। तो एक बात, जब कोऑर्डिनेट्स को रिलेट, जब पाथ निकालते हैं फिजिक्स में तो कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं, मतलब एक्स एंड वाई को रिलेट करेंगे। तो एक्स एंड वाई को अगर मैं रिलेट करूं तो चलो बेसिकली एक्स और वाई को स्क्वायर कर, इनको अब ऐसे तो रिलेट कर ही नहीं सकते, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, माइनस बी साइन ओमेगा टी, ये सबको पता होगा भाई, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में चले जाओगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें पाई में कुछ जोड़ोगे, इसमें साइन निगेटिव होता है और पाई रहता है तो चेंज नहीं होता है, तो यह आ जाएगा वाई। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक्स एंड वाई रिलेट हो जाएंगे, तो डिवाइड कर दो तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस दिस, इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। अब ये एक्स एंड वाई रिलेट हो गए, यही इक्वेशन है। हम सबको पता वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये वाला, जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है। अभी देखो इंटरसेप्ट 0 है, c की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है उसका अगर मैं ग्राफ ड्राऊं x एंड y, उसका पाथ ड्रा करूं, तो उसका पाथ ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए इंटरसेप्ट c 0 है और स्लोप निगेटिव है। c 0 स्लोप निगेटिव लेके जो स्ट्रेट लाइन आएगी अच्छी वाली, वो ये इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो स्लोप निगेटिव है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप जो है थीटा ग्रेटर देन 90 है, और टेन थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं स्लोप बोलता हूँ, वो माइनस बी बाई ए है, क्लियर है। इस टाइप के पाथ पे पार्टिकल SHM करेगा, जाएगा आएगा इस टाइप के, बराबर है। तो स्ट्रेट लाइन द फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आया सी। चलो कहता है एक एम मास का ब्लॉक है सस्टेंडेड फ्रॉम द टू कपल्ड स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। अब टू कपल्ड स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है उनको जोड़ दो सीरीज में, एक स्प्रिंग ये हो गया और एक वाली स्प्रिंग ये हो गया, ये स्प्रिंग K1 हो गया, ये K2 हो गया, यहां से एक ब्लॉक लगा दिए एम मास का, ये वाली चीज K1 K2। तो द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग K1 एंड K2 यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ द सस्टेंडेड मास। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, टाइम पीरियड जो होता है एक स्प्रिंग का 2πm/k अंडर रूट होता है, ये वाली चीज। तो टाइम पीरियड 2πm/k होता है। अब यहां से जो है के इफेक्टिव यहां लाएंगे, जब आपको सीरीज में होता है तो आपको पता होगा सीरीज में के इफेक्टिव कितना होता है, जो रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है, सीरीज में रेजिस्टेंस R1 R2 होता है। तो यहाँ पर जो सीरीज में स्प्रिंग आता है 1/K1 + 1/K2 आता है, मतलब के इफेक्टिव आ जाएगा सीरीज में K1 K2 और आ जाएगा K1 + K2, तो ये वाली चीज। तो हम अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 2πm और ए इफेक्टिव K1 K2 और आ जाएगा K1 + K2 और ये अंडर रूट। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन 2πm/K1 + K2 और ये, तो ये दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मी। आई होप कि आप जितने क्वेश्चन में करवाए हैं उतना कर लोगे तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।